हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष लांबा। आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की आर्म फोर्सेस में यूज किए जाने वाली 10 सबसे बढ़िया स्नाइपर राइफल के बारे में, जानेंगे किस देश की किस कंपनी द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। इस लिस्ट में हमने केवल उन आधुनिक स्नाइपर राइफल को ही शामिल किया जो अभी सर्विस में है। जो स्नाइपर राइफल के प्रोटोटाइप है और जिनका अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है या जो सर्विस से रिटायर हो चुकी है, उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये काउंटडाउन। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नंबर 10 पर आती है यूएसए की मैकमेलन टैग 50। ये एक लंबी दूरी की एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल है जिसका निर्माण मैकमेलन ब्रदर राइफल कंपनी के द्वारा किया जाता है। इसमें 50 बीएमजी कैलिबर का इस्तेमाल किया जाता है। टैग 50 को 1980 में डिजाइन किया गया था, लेकिन इसका पहली बार इस्तेमाल 2000 में कैनेडियन आर्म फोर्सेज द्वारा किया गया। इस समय दुनिया की कई देशों की स्पेशल फोर्सेज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टैग 50 स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जॉर्जिया, इजराइल, जॉर्डन, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, टर्की और अमेरिका शामिल है। टैग 50 का यूज लंबी दूरी की एंटी मटेरियल वेपन के रूप में किया जाता है। ये दुश्मन के सेंसिटिव इक्विपमेंट को आसानी से नष्ट कर सकती है, और क्योंकि ये एक लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल है तो दुश्मन के स्नाइपर को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है, और इसकी बुलेट दीवार को भी आसानी से पार कर सकती है। इसलिए जो सैनिक कवर लेकर छुपे होते हैं उनको भी आसानी से अपना शिकार बनाया जा सकता है। आर्मी में शामिल होते ही टैग 50 ने दो रिकॉर्ड बनाए। 2002 में कैनेडियन स्नाइपर एरोन पेरी ने अफगानिस्तान में 2310 मीटर दूर से ही एक आतंकवादी को मार गिराया। इसने 34 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। हालांकि पेरी का यह रिकॉर्ड कुछ ही दिनों में टूट गया, और एक और कैनेडियन स्नाइपर रोब ने अफगानिस्तान में ही इसी राइफल का यूज करते हुए 2429 मीटर दूरी से एक आतंकवादी को मार गिराया। 2009 में एक ब्रिटिश स्नाइपर ने अपनी L115A3 स्नाइपर राइफल से 2489 मीटर से एक आतंकवादी को मार गिराया। लेकिन 2017 में फिर से एक और कैनेडियन स्नाइपर ने टैग 50 स्नाइपर राइफल से इतिहास का अब तक का सबसे लंबी दूरी पर किल किया। उसने 3540 मीटर यानी 3.5 किलोमीटर दूर से ही एक आतंकवादी को मार गिराया था। टैग 50 एक मैनुअली ऑपरेटेड बोल्ट एक्शन राइफल है। इसमें डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन लगी होती है जिसमें 5 राउंड होते हैं। इसका स्टॉक फाइबर ग्लास से बना होता है। इसको जरूरत के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है या उतारा भी जा सकता है। टैग 50 को सिर्फ बायोपोर्ट से ही यूज करने के लिए बनाया गया है। इसकी इफेक्टिव रेंज 1800 मीटर की है, और इसमें साउंड सप्रेसर भी लगाया जा सकता है। 9th पोजीशन पर आती है यूके की एक्यूरेसी इंटरनेशनल आर्टिक वारफेयर 50। आर्टिक वारफेयर 50 या AW 50 ब्रिटिश ओरिजिन की 50 कैलिबर की बोल्ट एक्शन एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल है। इसका निर्माण एक्यूरेसी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाता है। इस स्नाइपर राइफल को हाईली ट्रेन स्पेशल फोर्सेज और इलाइट लॉ इन्फोर्समेंट यूनिट के लिए बनाया गया था। 1999 में इसको ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, मलेशिया और पुर्तगाल की आर्मी ने यूज करना शुरू कर दिया था। आर्मी में इस्तेमाल के लिए AW 50 को काफी टफ बनाया गया है। बिना स्कोप के AW 50 का वजन 13.5 किलो है। इसके बट स्टॉक में एक हाइड्रोलिक बफर सिस्टम लगा हुआ है जिससे इसका रिकॉयल कम होता है और एक्यूरेसी बढ़ जाती है। AW 50 की इफेक्टिव रेंज 1500 मीटर है। इससे गाड़ियां, बोट्स और दीवार के पीछे छुपे टारगेट को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ये राइफल काउंटर स्नाइपर ऑपरेशन के साथ IEDs और माइंस को भी क्लियर कर सकती है। AW 50 में स्टील की बैरल होती है और 5 राउंड की डिटैचेबल बॉक्स टाइप मैगजीन होती है। इसका फ्रेम एल्यूमिनियम से बनाया गया है। ये स्नाइपर राइफल एडजस्टेबल बायोपोड और मोनोपोड के साथ आती है जिससे ये और ज्यादा स्टेबल हो जाती है। नंबर 8 पर आती है जर्मनी की SIG SSG 3000। SSG 3000 का प्रोडक्शन अभी बंद हो चुका है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कई देश इसको अब भी यूज करते हैं। SSG एक बोल्ट एक्शन वेपन है। इसमें 7.62x51mm एम्यूनिशन का इस प्रयोग किया जाता है। इसमें दो तरह की बैरल आती हैं, 457mm और 597mm की। SSG को हाई क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और बेहतरीन एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। इसको एक मॉड्यूलर वेपन के रूप में तैयार किया गया है। इसकी बैरल को कुछ ही मिनटों में आसानी से उतारा जा सकता है। इसकी SIG कन्वर्सन किट की मदद से बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में इसको 260 रिमोटिन कार्टेज में बदला जा सकता है। इसमें भी 5 राउंड वाली मैगजीन लगी होती है। इसका स्टॉक पॉलीमर से बना है जिसकी वजह से इसे हर प्रकार के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। SSG की इफेक्टिव रेंज 900 मीटर की है। इसका डिजाइन काफी पुराना है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में ये आज भी आधुनिक स्नाइपर राइफल को कड़ी टक्कर देती है। इसके बैरल के आखिर में एक फ्लैश हाइडर भी लगा होता है ताकि दुश्मन को स्नाइपर की लोकेशन का पता ना चले। फ्लैश हाइडर को हटाकर साउंड सप्रेसर को भी लगाया जा सकता है। नंबर 7 पर आती है जर्मनी की ब्लासर R93 टैक्टिकल। इसमें एक डिटैचेबल मैगजीन, मजल ब्रेक और फुली एडजस्टेबल स्टॉक लगा होता है। इसका निर्माण 1997 में शुरू हुआ था। इसको जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बुल्गेरिया, फ्रांस, आइसलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवेनिया, यूक्रेन और यूके की आर्म फोर्सेज इस्तेमाल करती हैं। R93 एक बोल्ट एक्शन राइफल है। हालांकि इसके स्ट्रेट पुल एक्शन डिजाइन की वजह से फॉलो अप शॉट्स ज्यादा आसानी से लिए जा सके हैं। R93 में दो तरह की बैरल का यूज होता है, एक 600mm की और
और दूसरी 762 mm की। इसकी बैरल को एक मिनट के अंदर ही बदला जा सकता है। इसमें 5 राउंड वाली मैगजीन के साथ 10 राउंड वाली मैगजीन का भी ऑप्शन होता है। इसका स्टॉक फुली एडजस्टेबल और लाइट वेट का होता है और इसको मोनोपोड पर भी माउंट किया जा सकता है। R93 की इफेक्टिव रेंज है 800 मीटर। नंबर 6 पर आती है अमेरिका की M24 अमेरिकन आर्मी की प्राइमरी स्नाइपर राइफल है। इसको 1980 में डेवलप किया गया था और 1988 में इसे आर्मी में शामिल किया गया। M24 स्पेशली स्नाइपिंग के लिए डिजाइन किया गया पहला वेपन था। M24 एक वेपन नहीं बल्कि एक वेपन सिस्टम है, क्योंकि इसके सिंगल पैकेज में एक डिटैचेबल टेलीस्कोप साइट के साथ कई तरह के टूल्स और एक्सेसरी भी आती है। M24 भी एक बोल्ट एक्शन राइफल है और 5 और 10 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन के साथ आती है। स्कोप की बात करें तो इसमें लियोपोल्ड अल्ट्रा M3A 10x45mm और MK4LRT M3 10x40mm को फिट किया जा सकता है। स्कोप के बैकअप के तौर पर इसमें एक आयरन साइड भी लगी होती है। इसकी बुलेट 7.62x51mm की होती है। M24 की इफेक्टिव रेंज 800 मीटर की है। हालांकि कई बार M24 से 1000 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर शॉट लिए गए हैं। M24 की बैरल स्टेनलेस स्टील से बनी है। अब तक 15,000 से भी ज्यादा M24 स्नाइपर राइफल को बनाया जा चुका है। अभी अफगानिस्तान, ब्राजील, हंगरी, इराक, इजराइल, जॉर्जिया, जापान, लेबनान, फिलीपींस और अमेरिका की आर्मी M24 का इस्तेमाल कर रही है। M24 को सिर्फ आर्म फोर्सेस के लिए ही बनाया गया है, इसको सिविलियन को सेल नहीं किया जाता। नंबर 5 पर आती है फिनलैंड की साको TRG-42। ये एक लंबी दूरी की स्नाइपर राइफल है। ये दुनिया की बेहतरीन स्नाइपर राइफल में से एक है। 1999 में TRG-42 को रिप्लेस किया गया था TRG-41 की जगह। अभी लगभग 15 देशों की फोर्सेज इसका यूज करती है। TRG-42 एक मैनुअली ऑपरेटेड बोल्ट एक्शन वेपन है। इसमें 7.62x67mm और 8.6x70mm की बुलेट का यूज किया जाता है। बैरल की लंबाई है 690mm। TRG-42 की इफेक्टिव रेंज है 1500 मीटर। ये फुली एडजस्टेबल स्टॉक के साथ आती है। इसमें कई तरह के स्कोप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी यूज के लिए आयरन साइट नहीं है। TRG-42 में साउंड सप्रेसर भी लगाया जा सकता है। नंबर 4 पर आती है USA की बैरेट M95। ये एक मैनुअल बोल्ट एक्शन एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल है। 1995 में M95 का वर्किंग मॉडल तैयार हो गया था और 1999 में इसे US आर्मी ने ट्रायल के लिए सिलेक्ट किया, लेकिन US आर्मी ने M95 की बजाय इसके एक हल्के वर्जन M82 को सिलेक्ट किया। फिलहाल 15 देशों की आर्म फोर्सेज इसका यूज कर रही है। M95 में 12.7x99mm की बुलेट का यूज होता है और इसके बैरल की लंबाई है 736mm। इसको सफाई और मेंटेनेंस के लिए 60 सेकंड में खोला या बंद किया जा सकता है। M95 दुश्मन के संवेदनशील इक्विपमेंट जैसे कि पार्किंग में लगा एयरक्राफ्ट, रडार यूनिट, ट्रक को लंबी दूरी से नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी पावरफुल बुलेट ईंटों और सीमेंट की दीवारों को आसानी से पार कर सकती है। ये एक 5 राउंड वाली मैगजीन के साथ आती है। M95 के साथ 10x जूम वाली स्कोप ऑफर की जाती है, लेकिन इसमें और भी कई तरह के स्कोप और नाइट विजन साइट्स को लगाया जा सकता है। इसमें भी इमरजेंसी यूज के लिए आयरन साइट नहीं होती। M95 की इफेक्टिव रेंज है 900 मीटर, लेकिन अच्छा ट्रेंड स्नाइपर 2000 मीटर से भी ज्यादा दूरी पर टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें बायोपोड और मोनोपोड दोनों लगाए जा सकते हैं। नंबर 3 पर आती है UK की आर्टिक वारफेयर मैग्नम, यानी कि पबजी लवर की फेवरेट AWM। AWM एक ब्रिटिश स्नाइपर राइफल है। AWM के 2 वर्जन है, 300 विंचेस्टर मैग्नम और 338 लापुआ मैग्नम। 15 से ज्यादा देशों की आर्म फोर्सेज इसका इस्तेमाल करती हैं। AWM ने इराक और अफगानिस्तान की लड़ाई में अपना जलवा दिखाया है। ये भी एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है। AWM की बैरल 660mm की है और स्टेनलेस स्टील से बनी है। इसमें नाटो स्टैंडर्ड की 7.62x51mm और 12.7x90mm की बुलेट का इस्तेमाल होता है। AWM की इफेक्टिव रेंज 7.62 बुलेट के साथ 1100 मीटर और 12.7 के साथ 1700 मीटर है। हालांकि ब्रिटिश स्नाइपर ने AWM से 2009 में अफगानिस्तान में 2475 मीटर दूर से ही एक तालिबानी फाइटर को मार गिराया था। AWM का एक फोल्डिंग वर्जन भी आता है, जिसे AWMF कहते हैं। नंबर 2 पर आती है ऑस्ट्रिया की टायर SSG-69। ये स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया गया हथियार है। SSG-69 दुनिया की सबसे पॉपुलर स्नाइपर राइफल है। इसको ऑस्ट्रिया के अलावा अर्जेंटीना, चिली, ग्रीस, इंडिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड, जॉर्डन, नीदरलैंड, पाकिस्तान, पेरू, सऊदी अरबिया और टर्की की आर्म फोर्सेस यूज करती हैं। कई लड़ाइयों में इस स्नाइपर राइफल ने अपना दम दिखाया है। 40 सालों से बिना किसी बदलाव के इसका प्रोडक्शन होता आ रहा है। SSG-69 एक बोल्ट एक्शन वेपन है। इसमें नाटो स्टैंडर्ड की 7.62x51mm की बुलेट्स का यूज किया जाता है। 1960 में जब ये राइफल आई थी तो इसका डिजाइन उस समय की स्नाइपर राइफल से काफी अलग था।
था। इसके अंदर सिंथेटिक मटेरियल का यूज किया गया था जिससे इसके वजन को कम किया जा सके। पहली बार इसी स्नाइपर राइफल में डिटेचेबल मैगजीन का यूज किया गया था। SSG-69 एक कॉम्पैक्ट स्नाइपर राइफल है। इसमें 650 mm की बैरल का यूज किया जाता है और इसके स्टॉक को फाइबर ग्लास से बनाया गया है। इसकी इफेक्टिव रेंज है 800 मीटर। स्कोप के डैमेज होने पर इसमें इमरजेंसी यूज के लिए आयरन साइट भी होती है। नंबर एक पर आती है अमेरिका की M82। M82 एक सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल है। इसका वर्किंग वर्जन 1982 में तैयार किया गया था। आज लगभग 60 के करीब देशों की आर्म फोर्सेस इसका यूज करती हैं। इस राइफल को डिजाइन किया गया है दुश्मन के सेंसिटिव इक्विपमेंट को बर्बाद करने के लिए। M82 से दुश्मन के उन सैनिकों को भी निशाना बनाया जा सकता है जो दीवार के पीछे हों, क्योंकि इसकी बुलेट ईंट और कंक्रीट की दीवार को आसानी से पार कर सकती है। M82 में 12.7x99mm की पावरफुल बुलेट का यूज किया जाता है। इसमें रिकॉयल को कम करने के लिए एक यूनिक मैकेनिज्म का यूज किया गया है और इसमें 10 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन का इस्तेमाल होता है और डिटैचेबल बायोपोर्ट भी इसमें लगाया जा सकता है। तो इसी के साथ करते हैं आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।